अलविदा सरपंच साहब, आपके मौत के बाद मैं विधवा ठाकुरायन कहलाऊंगी और मैंने रत्ती भर का भरना पड़ेगा। भाई साहब, उन गंदे लोगों ने हमारे बाबू साहब पकड़ लिया है, हमें कैसे भी करके बाबू साहब छुड़ाना होगा। हाँ रसू, हम छुड़ाएंगे अपने बापू साने, हम अपने बापू साने बचा के रहेंगे। हे माता जी, मारे सरपंच सा की आत्मा को शांति देना। चले माफ कर देना हमारे बच्चों, बापू साहब तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाए। राम, से ना हो पाएगा। अपने की हुए हर वादे की तरह आज मैं भी टूट गया, कुछ ना बचा पाया मैं, ना अपना वादा। तो तुझे नहीं मारे बच्चों का, हार गया मैं पुली, टूट गया मैं, वो ठीक होंगे, भगवान जी है ना हमारे साथ, वो बापू साहब की रक्षा करेंगे। रसू, वो देख भगवान जी की मूर्ति, याद है पुली माता हमें समझाती थी कि जब भी कोई भारी मुसीबत आती है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वो बच्चों की बात हमेशा सुनते हैं। आजा भगवान जी से प्रार्थना करते हैं ताकि वो हमारे बापू साहब को सुरक्षित रखे। हाँ भाई साहब, जल्दी चलते हैं। चल भगवान जी, हमारे बापू साहब की मदद कीजिए, हमें उनसे मिला दीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान जी, भोली मासा हमसे दूर चली गए, अब बापू साहब कुछ मत होने देना। हाँ बोली, मैं थारी कसम टूटने ना दूंगा। अपने बच्चों के पास जाना होगा, मैंने शिवराज और लाडो के पास जाना ही होगा।
मैं आ रहा हूँ बच्चों, तुम्हारे पास आ रहा हूँ मैं। आज हमारी जिंदगी बचा ली, हमारे बच्चों के वास्ते मुझे लड़ने का जीने का हौसला दिया तुमने। मुझे किसी भी हाल में रसाल और शिवराज को ढूंढना होगा। उम्मीद को दीवार में चुट कर उसके खैर से तो बच गए, अब इन दो बच्चों को ढूंढ के इनका इलाज करना होगा। भगवान करे इन दो बच्चों ने किसी को कुछ ना बुलाओ। अगर ये बच्चे थारे हाथ से ना निकले होते ना, तो हमारा दिमाग में भी तांडव ना होता, एक काम ना होता थारे से। ए, हमारे को शौक ना है उन बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलने का। अरे वो छोटी चुहिया रसाल, उसके दांत देखे हैं? अरे कैसे अंदर तक धस दिए उसने। अरे हमारे को क्या पता था कि चकमा देके भाग जाएंगे, और भागने में तो वो खरगोश को पीछे छोड़ दिया। अरे मैं क्या करता। अब क्या करना है सोच, कहाँ ढूंढे उन्हें? अरे ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई जुगत तो लगाएंगे। इतनी जोर से काटा है उसने। सोच इकट्ठे हो सकते हैं दोनों। क्या करेंगे, कहाँ गए होंगे? इन्हें पकड़ना जरूरी है, वरना